नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया है, राइट? नाउ आज हम लोग एक कहानी देखेंगे। क्या देखेंगे? कहानी लेखन। हमने ऑलरेडी हमारा एक निबंध कर लिया है, एक पत्र कर लिया है, ओके, और आज हम करेंगे कहानी। तो कहानी शब्द याद आते ही हमें क्या याद आने जाता है? हमारे दादा दादी, नाना नानी, राइट? क्योंकि ये सारी कहानियां हमें हमारे वही सुनाते हैं, दादा दादी, नाना नानी, राइट? पापा मम्मी भी कहानियां सुनाती है, राइट? क्योंकि कहानियां क्या होती है? कहानियां सुनना अच्छा भी लगता है हमें। क्यों होती है? हमें उससे क्या सीखना मिलता है, राइट? देखो, कहानी क्या है कि कहानी एक तो ऐसी होती कि वो बोरिंग नहीं होती, राइट? कोई भी बात हमें समझानी है या तो समझनी है, बट हम लोग उसको, कोई हमें ऐसे ही बोल देगा तो हम लोग वो समझ सकते नहीं है, राइट? बट हम लोग उसको बार बार हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को कोई कहानी कहेगा कि देखो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इससे ये सीख मिली, तो हम लोगों के दिमाग में वो बात तुरंत आ जाती है, राइट? वो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। कोई ऐसी बात है कि जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, और खास करके ऐसी बातें कि जो लोग अभी हम लोग कुछ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो हमने कहानियों में से सीखा है, कि हमने इस कहानी में ये सीखा था कि जिसकी वजह से हमें भी ऐसा बिहेवियर करना चाहिए नहीं, राइट? खासकर ये पंचतंत्र की कहानियां होती है, वो ज्यादातर पशु पक्षियों के ऊपर होती है, तो पशु पक्षी होते हैं उससे भी हम लोग कई बातें सीखते हैं, राइट? तो कहानियां कैसे होती है कि दो टाइप्स की होती है। एक तो इस प्रकार की, हमें अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं और उसी पॉइंट्स को लेके हम सेंटेंस बनाएंगे और फिर कहानी को हम लोग पैराग्राफ में लिखेंगे, राइट? ऐसे भी हो सकती है। फिर ऐसे भी कहानियां होती है कि हम लोग चित्र को देखे और चित्र को देख के हम लोग कहानियां बनाए, राइट? खासकर जब हम लोग छोटे थे तब ऐसी कहानियां बहुत करते थे कि हमें पिक्चर्स दिए हैं और उस पिक्चर्स को देख के हम लोग कहानियां बनाते हैं, राइट? देखो, खरगोश और शेर की, राइट? वो खरगोश था, वो स्मार्टनेस यूज करता है और शेर को कुएं में गिरा देता है। फिर कबूतर की, कि एकता में बल होता है, कि कबूतर होते हैं वो एक जाल में फंस जाते हैं और फिर जो एक शिकारी होता है उसको पकड़ लेता है। फिर क्या करते हैं कबूतर? एक साथ अपने पंख फैला कर उड़ने लगते हैं और फिर चूहे के पास जाके वो जाल को कुतरवा देते हैं, राइट? तो ऐसी बहुत सारी हम लोगों ने भी पिक्चर्स वाली स्टोरी देखी होगी जब हम छोटे थे। अभी भी हम लोग मोबाइल में भी ऐसी कहानियां देखते हैं और उससे सीखते हैं कि हमें भी हमारे जीवन में क्या करना चाहिए। जैसे कि कबूतर की कहानी है तो हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बल होता है, राइट? कि हम लोग कोई भी काम अकेले करेंगे तो वो हमारा काम धीमे धीमे होगा या कुछ गलती रह जाएगी, बट हम लोग साथ में काम करेंगे तो जल्दी भी होगा और एक दूसरे की मिस्टेक भी हम लोग खोज सकते हैं, राइट? और वो विदाउट मिस्टेक होगा। फिर अगर बात करें कि हमें कहाँ पर कैसे हमारा दिमाग चलाना है, ये जो हमारी कहानी है आज जो हम करने वाले हैं वो कहानी है मूर्ख गधा। क्या है? मूर्ख गधा। तो इस कहानी से हमें ये सीखना है कि देखो, हर एक के पास दिमाग होता है, राइट? भगवान ने हर एक को सही चीजें दी है पर हमें उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। अगर हम लोग उस हमारे दिमाग को सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो आगे जाके हमें ही पछताना पड़ेगा, राइट? तो हमें जो भी, एक तो वो बात है कि हमें हमारा दिमाग का सही इस्तेमाल करना है और एक बात ये भी है कि हमें जो भी भगवान ने दिया है, राइट? हमें जो भी भगवान ने दिया है उसमें हमें संतोष रखना चाहिए। डन। तो आज हम लोग एक वही स्टोरी करेंगे, मूर्ख गधा। देखो, ब्लैंक्स दिए हैं और पॉइंट्स दिए हैं, वो जो ब्लैंक्स में आप लोगों को पॉइंट्स रखने हैं, पर एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं कि मैं राजा बनूं या जंगल का नया राजा, एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो हम लोग अपनी तरीके से उस ब्लैंक्स में दो बार तीन बार या तो फिर अपनी तरीके से वो लिख सकते हैं, राइट? कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट्स अलग होते हैं, उसकी लाइन अलग होती है, तो इस टाइम हम लोग उसको पॉइंट्स को चेंज करके उसमें लिख सकते हैं। डन। और खासकर जब आप लोग बड़े होंगे तो आगे जाके ऐसा स्टोरी भी आएगी कि हमें सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं कि एक गांव था,
फिर एक लड़का था, फिर कई लोग थे, तो फिर हम उन सबको साथ में मिला के हम लोग एक स्टोरी बना सके, राइट? कि एक बहुत बड़ा गांव था, उस गांव का नाम ये था, फिर उस गांव के एक सरपंच था, उसका एक लड़का था, राइट? उसमें हम हमारा कुछ भी ऐड करके एक बहुत सारी बड़ी लंबी कहानी बना सकते हैं। सिर्फ हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स होने चाहिए, राइट? तो अभी हम लोग एक कहानी देखेंगे, मैं आप लोगों को उसका पीपीटी थ्रू वीडियो बताऊंगी, और उस वीडियो में मैंने सारी कहानी आप लोगों को एक्सप्लेन की है, कैसे लिखनी है, कैसी कहानी है, तो वो पूरी कहानी अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं हमारा कहानी का वीडियो, और हमारे कहानी का नेम है मूर्ख गधा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा वीडियो। तो हिंदी, अब आज हम लोग हमारे यहाँ कहानी करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, कहानी। ऑलरेडी हमने एक बार पत्र देख लिया है, कहानी है हमारी मूर्ख गधा। क्या है? मूर्ख गधा, राइट? तो देखो कहानी क्या किस प्रकार की होती है, मैंने वो बात की आप लोगों को। आज हम लोग चित्र देखकर कहानी पूरी कीजिए, चित्र देखकर कहानी पूरी कीजिए, राइट? वो हम लोग करेंगे। तो उसमें क्या है कि पहले तो हम लोग चित्र देख लेते हैं, फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि मैंने बात की कि हमें लोगों जो टॉपिक्स दिए होते हैं, पॉइंट्स दिए हैं होते हैं, उस पॉइंट्स को लेके हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कहानियाँ बनानी होती है, राइट? जैसे जैसे पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को हमें थोड़ा लंबा करके, यानी कि दैट मीन्स कि उसमें कुछ हमारा ऐड करके फिर हमें कहानी बनानी होती है, राइट? तो आज हम लोग, मैंने तो आप लोगों को ब्लैंक्स ही दी है, उस ब्लैंक्स में आप लोगों को पॉइंट्स रखने हैं, बट आप लोगों को ऐसा भी होता है कि पॉइंट्स देख के कहानी बनानी होती है, राइट? अभी हम लोग चित्र देखकर कहानी पूरी करेंगे। सबसे पहले हम लोग चित्र देख लेते हैं कि एक चित्र, ये पहला चित्र है कि जिसमें एक गधा है, राइट? फिर वो कुछ सोच रहा है। फिर दूसरा चित्र है कि जिसमें उसको एक शेर की खाल मिलती है। फिर तीसरा चित्र है कि उसमें उस गधे ने वो खाल को पहन ली है। सिर्फ हमें यहाँ पर फिर ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है, कि निरीक्षण करना है कि इसमें क्या क्या बातें हो रही है, राइट? फिर है कि वो जंगल में आता है। फिर क्या है, देखो वो कुछ बोल रहा है। फिर एक रात है अंधेरी, उसमें भी ये शेर जो गधा है वो जो शेर बना हुआ है। फिर असली शेर उस पर छलांग लगाता है। फिर वो गधा छाल उतार कर भाग रहा है, राइट? ये चित्र देखे, कुछ समझ में आया, राइट? तो चलो अभी हम लोग हमारी कहानी बनाएंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार के मैंने आप लोगों को दी है कि पूरी कहानी में ब्लैंक्स दी है, और उसी ब्लैंक्स के अनुसार हमें सारे पॉइंट्स रखने हैं, और हमें फिर उसमें ये सारे आंसर पॉइंट्स रखने हैं, राइट? देखो सबसे पहले हम लोग, ये हमारे मूर्ख गधा, ये हमारी कहानी है, उसके हम लोग पॉइंट्स देखते हैं, राइट? पॉइंट्स देखेंगे तो हमें ब्लैंक्स में आंसर लिखने में आसानी रहेगी। ओके, मैं अभी एक्सप्लेन भी कर रही हूँ सारे चित्र भी और सारी कहानी, बट सबसे पहले हमारा जो ये ब्रैकेट्स जो हमें दिए हैं वो हमें मालूम होने चाहिए, डन? सबसे पहले है गौरव की बात। क्या है? गौरव की बात। फिर है मैं राजा कैसे बनूं। फिर है जंगल का नया राजा। क्या है? जंगल का नया राजा। फिर उसके बाद क्या है? रात के अंधेरे में। उसके नीचे है फूल कर कुप्पा, दैट मीन्स बहुत एकदम खुश प्रसन्न होना, राइट? एकदम खा पी कर खूब प्रसन्न होना। फिर है जहाँ चाह वहाँ राह, ये एक मुहावरा है, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि जैसा भी हम लोग सोचते हैं वैसी ही राह हमें मिल जाती है, वैसी ही राह हमें दिख जाती है, राइट? जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो, उसको कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। राह यानी कि रास्ता, जैसा हम सोचते हैं वही करने की हमें अच्छी राह मिल जाती है, राइट? फिर उसके बाद है शेर की एक खाल। क्या है? शेर की एक खाल। फिर है अद्भुत डील डोले। फिर है जंगल का राजा। फिर है अकड़ दिखाता रहा। क्या है? अकड़ दिखाता रहा। और उसके बाद है सिर पर पैर रख कर। क्या है? सिर पर पैर रख कर। फिर है छलांग लगा दी। क्या है? छलांग लगा दी, राइट? तो ये है हमारे पॉइंट्स। क्या है? हमारे पॉइंट्स। अभी हम लोग हमारी स्टोरी देखते हैं। ओके, तो स्टोरी देखो कुछ इस तरीके से है कि बहुत दिनों से
एक गधे के मन में यह इच्छा कुल बुला रही थी कि जंगल का नया राजा मैं राजा कैसे बनूं या तो कौन बनेगा, राइट। देखो ये ऑप्शन हमें दिया है ना, इसलिए मैंने इसमें लिखा है कि मैं राजा कैसे बनूं, ओके। ये कहीं पर शूट नहीं हो रहा, इसलिए हमने यहाँ पर जंगल का नया राजा कौन बनेगा। जंगल का राजा बनना गौरव की बात होती है। क्या है कि एक गधा था, बहुत दिनों से एक गधे के मन में यह इच्छा कुल बुला रही थी, यानी कि एकदम मन में जब उत्सुकता होती है कि कौन बनेगा, राइट। तो ऐसी एक उसके मन में एक इच्छा कुल बुला रही थी, जंगल का नया राजा कौन बनेगा, वो वैसा सोच रहा था कि जंगल का राजा कौन बनेगा। जंगल का राजा बनना गौरव की बात होती है, वो तो सही बात है कि जंगल का राजा बनना कैसी बात होती है, एकदम गौरव की बात होती है, राइट, प्राउड करने लायक बात होती है। तो क्या हुआ था कि ये जो गधा था वो जंगल में घूम रहा था और घूमते घूमते सोच रहा था कि बहुत दिनों से एक गधे के मन में यह इच्छा कुल बुला रही थी कि जंगल का नया राजा कौन बनेगा, राइट। आंसर में हमें यही लिखना है, ओके, जंगल का नया राजा। जंगल का राजा बनना गौरव की बात होती है, राइट, यानी कि सेकंड ब्लैंक्स में हम लिखेंगे गौरव की बात, राइट। फिर जहाँ जा वहाँ रा, जैसे मन में विचार आते हैं रास्ते भी उसी के अनुसार बनते जाते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया कि जहाँ जा वहाँ रा, दैट मीन्स कि जैसे भी हम लोग सोचते हैं, जैसे भी हमारे मन में विचार आते हैं, रास्ते भी उसी प्रकार के बन जाते हैं, राइट। उस गधे को जंगल के बाहर शेर की एक खाल मिल गई। फिर क्या हुआ कि जो गधा था वो तो सोचता ही जा रहा था कि जंगल का राजा कौन बनेगा, मैं कैसे बनूं, ऐसा सब कुछ सोच रहा था। और जैसा सोच रहा था वैसा ही हुआ कि उसको रास्ते में, जंगल के रास्ते में क्या मिल गया, एक खाल मिल गई। क्या मिल गई, खाल पर किसकी, शेर की। शेर की जो खाल होती है उसको वो मिल गई, और वो तो देखो कैसे एकदम से देख रहा है, राइट, शेर की खाल, राइट। फिर क्या हुआ, उसने देर नहीं लगाई, झटपट उस खाल को पहनकर उसने घोषणा की कि वही अब जंगल का राजा है। वो तो एकदम राजा बनना चाहता ही था, राइट। तो उसने तो क्या किया कि उसने तो बिल्कुल भी देर नहीं की और झटपट उस खाल को लिया और पहन लिया और घोषणा कर दी कि अब जंगल का राजा वो है, राइट, कि अब वो जंगल का नया राजा है। देखो यहाँ पर पॉइंट्स, दो तीन पॉइंट्स ऐसे है कि हम लोग एक दो ब्लैंक्स में भी वो लिख सकते हैं। इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अब जंगल का नया राजा है, राइट, वो है, राइट, कि ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि उसने देर नहीं लगाई, झटपट उस खाल को पहनकर उसने घोषणा की कि वही अब जंगल का राजा है, राइट। फिर क्या हुआ कि उसने अद्भुत डील डोले को देखकर सबने उसे अपना राजा मान लिया। देखो अभी उसका जो डील डोल था, यानी कि उसका जो, उसने वो खाल पहनी थी, उसका जो रूप था उसको देखकर, थोड़ा अलग सा रूप होता, आप भी सोचो, दिखाई भी दे रहा है कि हमें वो कैसा दिख रहा है, गधा पर उसकी जो बॉडी है वो शेर की, तो उसका ऐसा अद्भुत डील डोल, यानी कि अद्भुत शरीर देखकर उसकी, हम कहते ना डील, तो अब उसका अद्भुत शरीर देखकर सबने उसको अपना राजा मान लिया। फिर क्या हुआ कि गधा दो दिन तक राजा बनने की अकड़ दिखाता रहा। दो दिन हो गए और गधा तो क्या करता रहा, एकदम राजा है वैसी अकड़ दिखाने लगा, राइट। उसने दो दिन से कुछ खाया न था, अब भूख भी जोर से लगने लगी थी। देखो शेर होता है वो तो क्या खाता है, मांस और वो सब कुछ खाता है ना, मांस मटन, बट गधा होता है वो तो क्या खाता है, घास फूस खाता है, राइट। तो फिर क्या हुआ था कि ये तो खुद राजा बन के अकड़ रहा था और दो दिन से कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि वो तो शेर बना फिर रहा था, शेर तो मांस मटन खाता है, वो तो कभी घास फूस खाता नहीं है, तो दो दिन से खाया नहीं था और अब तो उसको जोर से भूख भी लगी थी। फिर क्या हुआ कि रात के अंधेरे में वह चुपचाप एक खेत में जा घुसा, भर पेट फूल कर कुप्पा हो गया था, एकदम उसका पेट था वो एकदम भर चुका था और वो एकदम प्रसन्न हो गया था, एकदम खुश हो गया था।
वह भूल गया कि वह जंगल का राजा है, या तो इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि वह भूल गया कि वह जंगल का नया राजा है। देखो क्या है, रात के अंधेरे में उसको 2 दिन से खाया नहीं था, बहुत भूख लगी थी, तो रात के अंधेरे में वह तो चुपचाप एक खेत में जा पहुंचा और भरपेट फूलकर कुप्पा हो गया था। दैट मीन्स कि भरपेट खाकर एकदम खुश खुश हो गया था और वो तो एकदम खुशी में वो तो भूल ही गया कि वो जंगल का राजा है। फिर क्या हुआ कि उसने मुंह आसमान की ओर उठाया और रेंकने लगा। रेंकने यानी क्या होता है कि गधा जब वो अपनी आवाज़ निकालता है ना तो उसको रेंकना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंकना। जब शेर अपनी आवाज़ निकालता है तो उसको क्या कहते हैं? दहाड़ना। क्या कहते हैं? दहाड़ना। शेर की आवाज़ को दहाड़ना कहते हैं और गधे की आवाज़ को रेंकना कहते हैं। हम लोगों तो उनकी आवाज़ पहन नहीं सकते कि कौन गधा है और कौन शेर है, सबकी आवाज़ पहनते हैं ना, सब पहचानते हैं ना कि कोई भी एनिमल्स है अपनी आवाज़ करेंगे तो हम लोग उनको पहचान पाएंगे कि ये किसकी आवाज़ है। तो ये गधे ने तो क्या किया कि उसने मुंह आसमान की ओर उठाया और रेंकने लगा, यानी कि बोलने लगा। सभी जानवर वहाँ इकट्ठे हो गए, असली शेर ने उस पर छलांग लगा दी। फिर क्या हुआ कि सभी जानवर साथ में हो गए, इकट्ठा हो गए, और क्या हुआ कि असली शेर ने उस पर छलांग लगा दी, क्योंकि असली शेर तो साइड में रह गया था और ये तो महाराज बन गया था ना, तो असली शेर ने तो उस पर छलांग लगा दी। क्या की? छलांग लगा दी और वह सिर पर पैर रख कर भाग गया। दैट मीन्स सिर पर पैर रखना मीन्स के सिर के ऊपर पैर रखेंगे तो दौड़ेगा कैसे? ओके, तो ये एक मुहावरा है कि सिर पर पैर रखना, दैट मीन्स कि बहुत जोर से वो तो भागने लगा और उसकी खाल भी छूट गई, राइट? वह सिर पर पैर रखकर भाग गया। ओके, तो ये हमारी पूरी कहानी है, वो एक बार हम लोग रीड कर ले फिर हम उसकी सीख देखते हैं। बहुत दिनों से एक गधे के मन में यह इच्छा कुलबुला रही थी कि जंगल का नया राजा कौन बनेगा। जंगल का राजा बनना गौरव की बात होती है, जहाँ जा वहाँ रा। जैसे मन में विचार आते हैं रास्ते भी उसी के अनुसार बनते जाते हैं। उस गधे को जंगल के बाहर शेर की एक खाल मिल गई। उसने देर नहीं लगाई, झटपट उस खाल को पहनकर उसने घोषणा की कि वही अब जंगल का राजा है। ओके, मैंने कहा है कि इसमें हम लोग ऐसा भी लिख सकते कि जंगल का नया राजा है। उसके अद्भुत डील डोले को देखकर सबने उसे अपना राजा मान लिया। गधा 2 दिन तक राजा बनने की अकड़ दिखाता रहा। उसने 2 दिन से कुछ खाया न था, अब भूख भी जोर से लगने लगी थी। रात के अंधेरे में वह चुपचाप एक खेत में जा घुसा। भर पेट घास खाने के बाद उसका पेट फूल कर कुप्पा हो गया, राइट? देखो ये लाइन है, इसमें भर पेट घास खाने के बाद उसका पेट फूल कर कुप्पा हो गया, राइट? उस जो फोटो वाला थी लाइन, उसमें ये बाकी रह गई थी कि भर पेट घास खाने के बाद उसका पेट फूल कर कुप्पा हो गया था। वह भूल गया कि वह जंगल का राजा है। उसने मुंह आसमान की ओर उठाया और रेंकने लगा। सभी जानवर वहां इकट्ठे हो गए, असली शेर ने उस पर छलांग लगा दी, यानी कि उस पर उसको मारने के लिए प्रहार कर दिया। वह सिर पर पैर रखकर भाग गया, राइट? तो ये थी हमारी कहानी, राइट? तो इसकी सीख ये है कि गधे के पास दिमाग तो था कि उसने ऐसा दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं इस खाल को पहन के राजा बन जाऊँ, राइट? ऐसा दिमाग तो चलाया। वह समझ नहीं पाया कि किसी की खाल पहनने से कोई उसके जैसा नहीं बन जाता, राइट? क्योंकि हम किसी की भी खाल पहन ले बट हम उसके जैसे बिहेवियर कर सकते नहीं हैं, राइट? हमें भगवान ने जो भी दिया है हमें उसमें संतोष मान लेना चाहिए, राइट? तो ये थी हमारी कहानी। थैंक यू। तो
देखा बच्चों वीडियो कैसी लगी कहानी, कैसे गधे ने अपनी मूर्खता बताई, राइट? उसको तो पता था कि उसने शेर की खाल पहन ली है, राइट? बट शेर की खाल पहनने से वो शेर नहीं बन जाता, राइट? तो हमें हमारी दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पास दिमाग तो था कि उसने ऐसा सोचा कि चलो मैं भी राजा बन जाऊं, बट वो जिसकी जिसको भी भगवान ने जैसे बनाया है तो वो दूसरे का ऐसा उपयोग कर सकते नहीं है, राइट? तो हमने सीख भी देख ली इसमें कि हमें क्या करना चाहिए। दिमाग तो होता है पर हमें उसका सही इस्तेमाल करना होता है, और साथ ही साथ भगवान ने हमें जो दिया है हमें उसमें संतोष रखना चाहिए, राइट? सेटिस्फेक्शन होना चाहिए हमें उसमें, राइट? तो ये कहानी आप लोगों को पूरी जैसी डब्ल्यू में लिखनी है, उसके पॉइंट्स ना लिखे तो इट्स ओके, बट आप लोगों को ये पूरी कहानी है वो जो मैंने वर्कशीट में आप लोगों को दी है वो आप लोगों को अपनी सी डब्ल्यू में लिखनी है, ओके? तो नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और कुछ आगे का करेंगे, तो तब तक के लिए बाय।